हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लेटेस्ट जॉब बाय JD कंप्यूटर। आज की टाइपिंग स्पीड है 40 शब्द प्रति मिनट। टाइपिंग स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। अभियुक्त गण पर भारतीय दंड विधान की धारा भाग 2 325 ऑब्लिक 34 323 ऑब्लिक 34 एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कोष्टक अत्याचार निवारण कोष्टक बंद की अधिनियम 1989, जिसे आगे अधिनियम कहा जाएगा, कि धारा 3 के अंतर्गत आरोप है कि उन्होंने दिनांक 11 सितंबर 2011 की शाम के 8 बजे ग्राम हिनौतिया कला में फरियादी नरवदी बाई और दुलीचंद को लोक स्थान पर अश्लील गालियां देकर क्षोभित कारित किया है। सह अभियुक्त के साथ मिलकर नरवदी बाई ऑब्लिक आरती ऑब्लिक दुलीचंद ऑब्लिक पूजा और रविशंकर को उपहति कारित करने के सामान्य आशय अग्रसर करने में नरवदी बाई के साथ मारपीट कर स्वेच्छा गंभीर उपहति तथा आरती कौमा दुलीचंद कौमा पूजा और शिवशंकर के साथ मारपीट कर स्वेच्छा साधारण उपहति कारित की है। नर्मदी बाई को संतरास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभितराज पहुंचाया एवं नर्मदी बाई जो अनुसूचित जाति की सदस्य है, उसे और उसके परिवार के सदस्यों को सार्वजनिक रूप से सदृश स्थान पर नीचा दिखाने के आशय से जातिगत आधार पर अपमानित व अभित्रस्त किया, फुल स्टॉप। यह स्वीकृति तथ्य है कि अभियुक्त गण ब्राह्मण जाति के होकर अनुसूचित जाति ऑब्लिक अनुसूचित जनजाति के नहीं हैं तथा फरियादी नरवदी बाई धानक अनुसूचित जाति की है, फुल स्टॉप। अभियोजन का तथ्य है कि दिनांक 10 सितंबर 2011 को गोलू देवलिया नरवदी बाई के घर आया और उसे उसके पति से कहने लगा कि इस बार गणेश जी बैठाले हैं तो तुम्हें वहाँ
बाजा बजानी चलना चलना है। फरियादी के पति के कहने पर कि बाजा बजाने वाले उसके पास नहीं हैं और उसका लड़का शिवशंकर बड़ुआ के यहाँ बाजा बजाने गया था। फरियादी के पति भी गांव में गए थे। उसी समय रात्रि 8 बजे लक्ष्मी नारायण कौमा संदीप कौमा गोलू और संजय उसके घर आए और पति का नाम लेकर गंदी गंदी गालियां देने लगे और कहा, धन का तू बाहर निकल। फरियादी के कहने पर कि गालियां क्यों दे रहे हो, तो संदीप ने एक लाठी मारी जो कि नरबदी बाई के दाहिने आंख के पास लगी। दूसरी लाठी मारी जो दाहिने कंधा पर लगी, फुल स्टॉप। उसी समय नरबदी बाई की लड़कियां पूजा और आरती उसे बचाने आई तो लक्ष्मी नारायण और गोलू ने लाठियों से सभी सदस्यों की मारपीट शुरू कर दी। हल्ला सुनकर गांव के ही लड़का शिवशंकर और पति दुलीचंद भी घर आ गया तो चारों ने उनके साथ भी लाठियों से मारपीट की और गंभीर रूप से चोटें पहुंचाईं। लोगों ने आकर बीच बचाव किया तो वो जाने लगे, लेकिन जाते समय कहा, आज तो बच गए, अब दोबारा बाजा बजाने से मना किया तो जान से खत्म कर देंगे, फुल स्टॉप। रिपोर्ट पर आरक्षी केंद्र राहतगढ़ में अपराध क्रमांक 415/2011 प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की गई है, फुल स्टॉप। औपचारिक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र प्रस्तुति पर श्री लोबंशी न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी सागर द्वारा उपार्पित किए जाने पर विचारण के लिए यह न्यायालय को प्राप्त हुआ है, फुल स्टॉप। फरियादी ने बताया है कि हमारे द्वारा राहतगढ़ पुलिस थाना में सूचना दी गई थी कि मुझे जान से मारने की धमकी देकर आरोपीगढ़ बाहर खुले आम घूम रहे हैं, जिनका अभी तक कोई भी पुलिस आरोपियों को कई महीने तक खुलेआम घूमने दे रही थी, फुल स्टॉप। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे